उत्तर प्रदेश का एक गांव शिवपुर, यहाँ आज भी नृत्य करना एक अभिशाप है। क्या नाचना इतना बुरा होता है माँ? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल बॉलीवुड रिव्यू में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश आचार्य की आने वाली बॉलीवुड की फिल्म देहाती डिस्को की। तो दोस्तों, फिल्म देहाती डिस्को के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर बॉलीवुड रिव्यू पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में डांस हमेशा से ही खास रहा है। और दोस्तों, आपको बता दूं, डांस पर आधारित अब तक की कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इन फिल्मों में चांस पे डांस, एबीसीडी, रब ने बना दी जोड़ी जैसी कई फिल्में बनी हैं। और दोस्तों, बात करें आने वाली बॉलीवुड फिल्म देहाती डिस्को की, तो इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसे ही गांव पर आधारित है जहां पर आज के समय में भी डांस करने की इजाजत नहीं दी जाती है। और दोस्तों, ये फिल्म काफी अच्छी साबित होने वाली है और शानदार कमाई करने वाली है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये फिल्म सिनेमा घरों में 27 मई 2022 को यानी कि आने वाले शुक्रवार को देखने को मिलेगी। और इस फिल्म को डायरेक्ट मनोज शर्मा ने किया है। और दोस्तों, इस फिल्म में हम गणेश आचार्य के साथ लीड रोल में रवि किशन, मनोज जोशी, राजेश शर्मा और सबके चहेते सुपरस्टार और सुपर डांसर। इस मंदिर में नृत्य करके तुमने पाप किया है, इसे धक्के मार के निकाल दो। कौन हो तुम? भोले के भक्त है और नाम है भोला। सक्षम शर्मा को भी नजर आएंगे। और दोस्तों, इस फिल्म को लखनऊ में 45 दिन तक रिलीज किया गया था और इस फिल्म में हमें काफी शानदार डांस भी देखने को मिला। और दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि फिल्म ऑडियंस पर कितना कमाल कर पाती है या फिर बॉलीवुड की कई फिल्मों की तरह फ्लॉप हो जाएगी। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। रमा भसम आज करे मन का।